सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। साथ में बाप पूछ रहे हैं, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? बाबा कहते हैं, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पाठ बजाते हैं, ये सारा साक्षात्कार हो जाता है। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो, जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम समझते हो कि हम देवी गुणों वाले देवता थे, आसुरी गुण वाले बने, अब फिर देवी गुण वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया नए घर में जाएंगे। भगते बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में, बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं, वो तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं। बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए, सकाश देते हैं आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं की तरफ है। तुम हर एक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है, बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों की तरफ जाती है, फर्क है ना। बाप कहते हैं, यह अभ्यास करते हो डेड साइलेंस का, शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो। आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं, जो मिसाल देते हैं उसमें जरूर कुछ खूबी होती है। तुम जानते हो हम शरीर छोड़कर वापस चले जाएंगे और फिर आएंगे, यह बातें और कोई नहीं जानते। यह ड्रामा को कोई भी जानते नहीं है, कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देते कि इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसी बात तो कोई सुनाता भी नहीं। बाबा कहते हैं, बाप की आत्मा भी ऐसे ही जैसे तुम बच्चों की है। ऐसे नहीं बच्चे छोटे बाप बड़ा है, नहीं, वो सुप्रीम नॉलेजफुल बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझाते रहते हैं। बिंदु है लेकिन सिंधु है, पाठ बजाने वाली आत्मा है, जरूर शरीर धारण कर पाठ बजाएगी। आत्मा का रहने का स्थान शांति धाम है। बच्चे जानते हैं आत्माएं ब्रह्म महतत्व में रहती है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कह देते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मा को ईश्वर समझ बैठे हैं। ड्रामा में गिरने का उपाय भी नुंधा हुआ है, वापस तो जा नहीं सकते, भल कोई कितनी भी मेहनत करे। नाटक जब पूरा होता है तो सभी एक्टर्स आकर इकट्ठा होते हैं, क्रिएटर मुख्य एक्टर भी खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं अब यह नाटक पूरा होता है। ये बातें कोई भी साधु संत आदि जान नहीं सकते, आत्मा की यह नॉलेज कोई को है नहीं। परमात्मा बाप यहां एक बार आते हैं और सबको तो यहां पाठ बजाना ही है, वृद्धि होती रहती है ना। आत्माएं सब कहां से आई? अगर कोई वापस जाता है फिर तो वो रसम पड़ जाए, एक आए दूसरा जाए, फिर उसमें पुनर्जन्म कहां नहीं जाए। पुनर्जन्म तो शुरू से ही चला आता है, पहले नंबर में ही यह लक्ष्मीनारायण बाप ने समझाया है। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में जब आ जाते हैं तो फिर पहले नंबर में जाना पड़ता है, इसमें संशय की बात हो नहीं सकती।
बच्चे वर्णन करते हैं, आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। इस समय तुम जानते हो हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। किन जैसा? लक्ष्मी नारायण जैसा। बाबा कहते अगर कोई जानता हो तो बताए। बाप को याद करने के सिवाय और कोई उपाय है नहीं। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि ब्रह्म व तत्व निर्विकारी है, नहीं, आत्मा ही निर्विकारी बनती है। ब्रह्म व तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता, वो तो रहने का स्थान है। बच्चों को समझाया जाता है आत्मा में ही बुद्धि है। वो जो तमो प्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाती है। समझदार और बेसमझ है ना, तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती और फिर म्लेच्छ हो जाती है। तुम्हें प्यूरिटी और इनप्यूरिटी का कंट्रास्ट है, यह भी ड्रामा में नुंद है। अभी तुम जानते हो यह है संगम युग। बाप एक ही बार आते हैं और ले जाने के लिए। हम कैसे नीचे उतरते हैं? 14 कला से फिर 12 कला होती है। अभी फिर कोई कला नहीं है रही। नंबरवार तो है ना, एक्टर भी नंबरवार होते हैं। कोई का पगार 1000-1500, कोई का 100, कितना फर्क हो गया। पढ़ाई में भी कितना दिन रात फर्क है। उस स्कूल में तो कोई ना पास होता है तो फिर से पढ़ना पड़ता है, यहां तो फिर पढ़ने की बात ही नहीं है। पद कम हो पड़ता है, फिर कभी पढ़ाई होगी ही नहीं। ये पढ़ाई एक ही बार होता है, एग्जाम एक ही बार होता है, फाइनल रिजल्ट भी एक ही बार होता है। एक ही बार ही पढ़ाई होती है। बाप भी एक बार आते हैं, बच्चे भी जानते हैं पहले पहले एक ही राजधानी थी। यह तुम किसी को भी समझाने लग जाएंगे तो वो मानेंगे। क्रिश्चियन लोग साइंस में भी बहुत दिखे हैं और सब उन्होंने ही सीखे हैं। उन्होंने ही तो इतनी पारस बुद्धि ना पत्थर बुद्धि होती है। इस समय उन्होंने की बुद्धि कमाल कर रही है। साइंस का प्रचार सारा इन क्रिश्चियन से निकला है, वो भी सुख के लिए ही है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, फिर तुम शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। नहीं तो इतनी सब मनुष्य आत्माएं वापस घर कैसे जाएं? साइंस से विनाश हो जाएगा। अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। वरवर हम सारे विश्व को सत्ययुग आदि से कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम समझते हो हम जो देवी गुण वाले थे वही फिर असुरी गुण वाले बनते हैं, फिर बाप आकर देवी गुण वाला बनाते हैं। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। दुनिया में और कोई को यह पता नहीं कि यह देवी देवता घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। पावन भी तो पतित भी बनते हैं, यह किसी की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम समझते हो यह तो जड़ चित्र है, एक्यूरेट फोटो तो उन्हों का निकल ना सके। वो तो नेचुरल गोरे हैं, प्योर प्रकृति से शरीर भी प्योर बनते हैं। यहां तो इनफेयर है, यह रंग बिरंगी दुनिया सती में नहीं होगी। श्री कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर। सत्ययुग में है सुंदर, कलयुग में है श्याम। सत्ययुग से कलयुग में कैसे आते हैं तुमको नंबर 1 से लेकर मालूम पड़ा है। श्याम बनी इसीलिए श्याम और सुंदर कहा जाता है। तो आज बाबा धारणाओं में हम बच्चों के लिए कहते हैं अपने सब हिसाब किताब चुक्त कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है।
विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आप ही करना है। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए देवी गुण धारण करने हैं। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले, सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। जहां बाप की याद है अर्थात बाप का साथ है, वहां बॉडी कंसेंस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बाप के साथ व पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बात उन पर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीर बनना सहज हो जाएगा। ये था आज का स्लोगन, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीर बनना सहज हो जाएगा। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सर्व आकर्षण से मुक्त हूं और मैं संपूर्ण प्रभाव, रूहानी प्रभाव डालने वाली आत्मा। मुरली की और गहरी रीति से चिंतन करते हुए बाप दादा की छत्र छाया का अनुभव करना है कि बाप दादा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।